उत्तर प्रदेश की एसएसबी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है तो वहीं एसएसबी पुलिस का एक सिपाही भी घायल हुआ है। इस बदमाश के ऊपर 25,000 का इनाम घोषित था जिसे मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में एसओजी और पुलिस टीम द्वारा बदमाश से हुई मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। जवाबी फायरिंग में एसओजी सिपाही की बांह में गोली लगी। दो दिन पूर्व ही पुलिस अधीक्षक ने गौरी बाजार थाना क्षेत्र के बखरा स्थित ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक लूट व हत्या में फरार चल रहे मास्टरमाइंड इखलाक वर्सी पर एसपी ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। घायल बदमाश व सिपाही का जिला अस्पताल में इमरजेंसी में इलाज चल रहा है। मामला गौरी बाजार थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। गौरी बाजार के सिरजम क्षेत्र में आज एसओजी गौरी बाजार और बदमाशों के बीच में एक मुठभेड़ हुई है जिसमें दो बदमाश भागने में सफल हो गए। एक बदमाश को गोली लगी है। यह बदमाश इस जनपद में थाना गौरी बाजार में एक लूट और हत्या की बड़ी विभत्स घटना घटित हुई थी। उसका यह मास्टरमाइंड है, 1,00,000 वारसी और इस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। इसके कब्जे से एक 12 बोर का तमंचा और वो फायर किया हुआ है। इसके अलावा 4 कारतूस इसके पास मिले हैं और कुछ कैश भी बरामद हुआ है। इस समय हॉस्पिटल में ये इंजर्ड है, इसका इलाज चल रहा है। और इस मुठभेड़ में हमारा एक कांस्टेबल बहादुर कांस्टेबल धनंजय है, उसको भी चोट आई है और वो भी यहाँ इलाजरत है।